और एक और बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से सामने आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से मध्य प्रदेश आने वाले थे, लेकिन उनके दौरे में अभी कुछ बदलाव हुए हैं जो जानकारी मिल रही है। अब दो दिन, आपको बता दें कि दो दिन की जगह एक दिन का रहेगा एमपी दौरा। 30 जुलाई को भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अमित शाह। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंदौर जाएंगे, इंदौर में बूथ कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। हमारे सहयोगी जितेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं। जितेंद्र, विपक्ष सवाल उठा रहा था कि मीडिया से चर्चा नहीं करते, अमित शाह आते हैं चले जाते हैं, तो ये अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी कार्यक्रम बना है लेकिन दो दिन की जगह केवल एक दिन का कार्यक्रम, इसके पीछे कोई बड़ी वजह? बिल्कुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल मध्य प्रदेश दौरा होने जा रहा है और ये एक दिवसीय दौरा हो गया। हालांकि पहले बताया गया था कि 29 और 30 तारीख को अमित शाह मध्य प्रदेश आएंगे, राजधानी भोपाल में 29 को रहेंगे और यहाँ पर वो पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। उसके बाद 30 को कार्यकर्ताओं को लेकर जो कार्यक्रम किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं जो बूथ कार्यकर्ताओं में जो जोश भरने का कार्यक्रम है उनसे रूबरू होंगे वो होगा। लेकिन अब यहाँ पर संशोधन किया गया है कार्यक्रम में, क्योंकि व्यवस्थाएं व्यस्तताएं काफी ज्यादा है केंद्रीय गृह मंत्री की और ऐसे में अब इस कार्यक्रम को एक दिन का किया गया है। सबसे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को आएंगे 30 तारीख को, 30 तारीख को सबसे पहले यहाँ पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर लगातार विपक्ष इस बात पर सवाल खड़े करता था कि अमित शाह आते हैं लेकिन पत्रकार वार्ता को संबोधित नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है, चुनावी राज्य में जब भी अमित शाह जाते हैं तो पहले तैयारी करते हैं, उसके बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हैं और उसी दिन वो भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां पर वे कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र भरेंगे, जोश भरेंगे और कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री का मध्य प्रदेश में तीसरा दौरा है एक ही महीने के अंदर जब वे यहाँ पर आ रहे हैं। 15 दिन के अंदर उनका दूसरा दौरा हुआ था और अब 16 से 17 दिन के अंदर उनका जो तीसरा दौरा है वो मध्य प्रदेश होने जा रहा है। शुक्रिया आपका जितेंद्र जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो काफी अहम ये पूरा दौरा उनका माना जा रहा है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात आई